हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम ये बात कैसे पता करें कि कोई लड़की हमसे प्यार करने के लिए तड़प रही है। इतना ही नहीं, हम ये बात कैसे पता कर सके कि वो लड़की हम में फुल टू इंटरेस्टेड है। इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन मोटिव ये था कि आप लड़की की फीलिंग को और अच्छी तरीके से समझ पाए, आप और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए कि वो लड़की सिर्फ और सिर्फ आपको ही पसंद करती है। तो है ना भाई, ये बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो, तो प्लीज़ यार दिल थाम कर बैठे और अपना दे प्यार इस वीडियो को एंड तक, ठीक है भाई, कहीं से वीडियो स्किप मत करना। छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर वीडियो आपको एंड देखने में अच्छे लगे तो इस वीडियो पर एडवांस में एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर प्रेस करिएगा। चलिए बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 की, परवाह करना, फिकर करना और उसके बाद गुस्सा दिखाना। लाइक क्या, मान लीजिए अगर आप उस लड़की से बात नहीं कर पाते हो 1 से 2 दिन, ठीक है, यहाँ पर सिर्फ मैंने मानने को कहा है, या आपने 1 से 2 दिन उसको दिखे नहीं, 1 से 2 दिन आपने उससे चैटिंग नहीं की, 1 से 2 दिन आपने उसको इंपॉर्टेंस नहीं दिया, तो उसके बाद सडनली लड़की के अंदर कुछ इस तरह का चेंजिंग आते हैं कि आपने उसे कॉल नहीं किया तो वो आपको कॉल कर रही है, आपने उसे रिप्लाई नहीं दिया, चलो कोई बात नहीं, उसने आपको दोबारा कॉल किया, बहुत सारे मैसेज भी कर दिए, बहुत सारे आपको कॉल भी कर दिया, कई बार उसने पता भी लगाना चाहा कि आप हो कहाँ पर, मगर आप उससे पता नहीं चले। अब नेक्स्ट डे जैसे आप उससे मिलते हो, उसके बाद लड़की के अंदर आप ये बिहेवियर जरूर नोटिस करोगे कि क्या बात है, क्या है चीज़ में इतना बिजी थे, आपको मेरा कॉल भी नहीं दिखा, आपको मेरा मैसेज भी नहीं दिखा, क्या आपने कॉल बैक करना जरूरी नहीं समझा, क्या आपने मुझे मैसेज का रिप्लाई देना जरूरी नहीं समझा, तुम जाओ मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती, तुम्हें तो किसी की इंपॉर्टेंस नहीं पता, मतलब कि रख के सही करके आपको सुना डाले, सही करके आपको ये बता डाले कि मुझे परवाह है, मुझे फिकर है, मुझे फर्क पड़ता है तुम कहीं भी मुझे बिना बताए जाते हो तो इस साइन का मतलब फ्रेंड ये होता है कि वो आपको फ्रेंड नहीं मान रही, वो कुछ और मान चुकी है आपको। आपका ये डाउट था ना फ्रेंड, इसलिए आप लोगों ने मुझसे इंस्टाग्राम पर पूछा था, तो देखो भाई मैंने एक्सप्लेन करके समझाया है। और दूसरी बात ये, आप लोगों को ऐसा लगता है कि भाई मैं दिन भर वैल्ला ही बैठा रहता हूँ, सिर्फ और सिर्फ आपके मैसेज का रिप्लाई करता रहूँगा, तो भाई थोड़ा आप भी समझो यार, सबका पर्सनल लाइफ होता है, थोड़ी लाइफ में मैं भी बिजी रहता हूँ, मगर आपके टॉपिक पर वीडियो बनाना ही मेरा काम है, तो भाई अपनी बात को पूरी बात मैसेज में लिख दिया करो इंस्टाग्राम के, और भाई फॉलो कर दिया करो, ठीक है। बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की, इस पॉइंट में फ्रेंड हम बात करेंगे बिहेवियर की। आसान सी भाषा में कहा जाए, बिहेवियर को नोटिस करके आप ये बात पता कर सकते हो कि वो लड़की आपसे प्यार करने को तड़प रही है। अगर वो लड़की आप पर शक करती है भाई, तो इसका मतलब वो लड़की आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद करती है। आपको एक बात पता होगी फ्रेंड, हम शक किस पर करते हैं, जिस पर हमें बहुत से भी बहुत ज़्यादा ट्रस्ट होता है और इसको हम खोने से डरते हैं, इसके चलते हमारी माइंड में शक नाम की बीमारी पैदा होती है। अगर आपने उसके कॉल को ना पिक कर सके, अगर आप बिजी निकले, तो उसके बाद उसके 10 तरह के क्वेश्चन, कहाँ बिजी थे, किससे बिजी थे, किससे बात कर रहे थे। इतना ही नहीं फ्रेंड, अगर आप उस टाइम पर उसको ना मिले और कहीं और गए हो, तो उसको ऐसी बात पे शक होना कि तुम किसी लड़की के साथ हो, तुम किसी लड़की के साथ ही हो ना, तुम किसी की आवाज सुनी मैंने, किसी की आवाज है मुझे बैकग्राउंड से, लाइक कुछ ऐसा, इस तरह का शक करना फ्रेंड कि मतलब जिससे ये साबित हो कि यार तुम इतना शक क्यों करती हो मुझ पर, मैंने ऐसा तुम्हारा क्या बिगाड़ दिया। लड़की फ्रेंड कभी भी आपको गलत संगत में नहीं पड़ने देगी। अगर आपने किसी लड़की से हंसकर बात भी कर ली 2 मिनट, तो लड़की शक करने लग जाएगी, उसकी शक भरी निगाहों देखकर आप समझ सकते हो कि अरे लड़की मुझे अब खा जाएगी, मुझे इतनी जल्दी गुस्से में दिख रही है जैसे कि पता ही नहीं मैंने क्या कर दिया। उसके बाद अगर वो लड़की आपको ये सुनाती है कि तू क्यों उससे बात कर रहा था, आखिर कौन लगती है वो तेरी वो लड़की, क्या मैटर है, आजकल कुछ ज्यादा ही आराना चल रहा है क्या तुम दोनों के बीच, लाइक कुछ ऐसा। लड़की अगर इस तरीके से शक करती है आप पर, तो भाई फुल टू आप में इंटरेस्टेड है और वो भाई चाह रही है आपके साथ रिलेशनशिप बनाना, मगर आप फिर भी समझ नहीं पा रहे, ठीक है भाई। तो ये था आपका दूसरा पॉइंट, चलिए बात करेंगे तीसरे पॉइंट की। एक बात ध्यान रखो कि अगर वो लड़की आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, इतना ही नहीं, अगर वो आप में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड है, तो फ्रेंड वो अपने हर एक सुख में, एक हर अपने हैप्पी मोमेंट में आपको कवर करना चाहेगी, आपके साथ वो हैप्पी मोमेंट शेयर भी करना चाहेगी। मैं आपको समझाता हूँ कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। आप सभी लोगों ने इंस्टाग्राम पर बहुत सारे सवाल पूछे थे, तो उसी का जवाब है ये। आप लोगों ने कहा था ना कि जैसे कि वो लड़की मुझे ये बताती है, वो बताती है, जबकि मैं सुनने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं रहता, फिर भी वो मेरे साथ अपनी खुशी को शेयर करती है। तुम्हें पता है मेरे साथ आज ये अच्छा हुआ, इसके चलते मैं छोटी सी ट्रीट दे रही हूँ, क्या तू भी लेना चाहेगा मुझसे ट्रीट, तुझे पता आज मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, ये फलाना ठिकाना। साथ ही साथ फ्रेंड अपने सुख के साथ साथ आपके दुख में भी वो साथ देती है। जब आप पे कोई बुरा मोमेंट चलता है, जब आप बहुत ही ज़्यादा हर्ट रहते हो, बहुत ही ज़्यादा उदास रहते हो, तो वो आपके माइंड को सही करने के पीछे लग जाती है। वो लड़की आपको कई बार बोलती है कि हुआ क्या है, क्या प्रॉब्लम है, अरे ठीक हो जाएगा ना, तो मुझे बता क्या है, क्यों इतना उदास है, वो आपके प्रॉब्लम
प्रॉब्लम में भी आपका साथ देती है, तो मतलब कि फ्रेंड सबसे बेस्ट पार्टनर बनेगी आपके लिए। वरना फ्रेंड आपको मैं एक बात समझाना चाहता हूँ, आजकल ना देखो भाई लोग सिर्फ अच्छे वक्त में साथ देते हैं, बुरे वक्त में तो अपने भी पल्ले छुड़ा के चले जाते हैं। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना भाई, ठीक है। और छोटी सी एक लास्ट पॉइंट है आपके लिए, आई होप आप इसको भी समझना चाहेंगे। देखिए भाई एक बात ध्यान रखिए कि अगर आपको उससे प्यार होता है तो कैसे आप उसके सामने एकदम कंफर्टेबल फील करते हैं ना। लाइक कुछ ऐसा भी, अगर उस लड़की ने आपके सामने हमेशा कंफर्टेबल फील किया, आपके सामने जब भी वो बात करती है तो हंसकर मुस्कुराकर बात करती है, आप दोनों की बातों में डिस्टेंस बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम आप एक दूसरे से दूर बैठकर बात करते हो, बहुत ही क्लोज आकर भी आप दोनों बात कर लेते हो, और कई बार आपको फ्रेंड उसके सामने एक अपनापन वाली फीलिंग आती है, कई बार आप चलते चलते एक दूसरे का हाथ भी पकड़ लेते हो, मतलब फ्रेंडशिप में जैसे होता है ना नॉर्मली हैंडशेक वाला वैसा कुछ आप ऐसा कुछ कर लेते हो। इतना ही नहीं, अगर आप दोनों के बीच में बात होती है तो लड़की बड़ी से बड़ी बात आपको यूं ही बता देती है, अगर उसके साथ कुछ भी प्रॉब्लम हुआ होता है तो भी लड़की आपके साथ अगर शेयर कर ले रही है तो भाई इससे बड़ा साइन नहीं मिलने वाला है कि वो तड़प रही है आपसे प्यार करने के लिए। और नॉर्मली साइन तो करना आप लोग जानती होंगे कि अगर लड़की जेलस फील करती है, अगर आप किसी लड़की से बात करते हो, अगर लड़की को बुरा लगता है कि अगर आपने उसकी इंपॉर्टेंस किसी और को देना चाहा, तो भाई एक बात तो समझो लड़की का दिमाग तो खराब है नहीं, है ना, मतलब लड़की पागल तो नहीं हो गई है जो उसको मतलब फर्क पड़ने लग गया है, दिमाग तो खराब नहीं हो गया कि मतलब यार ये कौन सी बात होती है, तू किसी और से बात कर रहा है वगैरह वगैरह। नहीं भाई, इसे कहते हैं अट्रैक्शन। जब हमें किसी से अट्रैक्शन हो जाता है ना तो उसके बाद हम चाहते हैं कि उसका अट्रैक्शन सिर्फ और सिर्फ हम पे ही रहे, हम ही उसे अट्रैक्ट करके रहे, कोई तीसरा बंदा इसे अट्रैक्ट करके ना लेके जाए अपनी तरफ। इसके चलते जेलस फील होता है, ठीक है भाई। तो मैंने आपके फ्रेंड कई सारे डाउट्स, कई सारे जो मतलब कोई इंस्टाग्राम पर क्वेश्चन होते हैं मैंने क्लियर कर दिए। अगर नहीं हुआ हो तो भाई आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो फिर से, और उसके बाद मैसेज कर सकते हो। और फिर से वाली बात मैंने इसलिए कहा ना क्योंकि फ्रेंड आप लोग अनफॉलो भी करके निकल जाते हो, मुझे पता चल जाता है, तो भाई फॉलो कर लेना पूरी बात, मुझे मैसेज कर देना। और भाई देखो एक बात मैं और आपको समझाना चाहता हूँ कि अगर आपको कुछ ऐसे हिंट मिलते हैं लड़की के अंदर तो भाई एकदम से उसे प्रपोज नहीं करना चाहिए, या फिर लड़की को ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि मतलब मैं तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करने लग गया और मैं दीवाना हो रहा हूँ, पागल हो रहा हूँ। नहीं, धीरे धीरे फ्रेंड आप दोनों को पहले क्लोजनेस बढ़ानी चाहिए, धीरे धीरे आप दोनों एक दूसरे के पास जाओ, क्लोज जाओ, रिजेक्ट होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। कई बार ऐसा होता है ना कि आप किसी लड़की को कई सारे हिंट देख लेते हैं, उसके बाद उसे प्रपोज कर देते हैं और लड़की यहीं पर ही नर्वस हो जाती है, कंफ्यूज हो जाती है कि लड़के ने यार ये क्या कह दिया, अब मैं इसे क्या बोलूंगी, और वो घबराने के चलते आपको उस सिचुएशन में मना भी कर देती है। तो भाई सबसे पहला काम लड़की का ट्रस्ट जीतो, उसके सामने फ्रेंड थोड़ा सा क्लोजनेस बढ़ाओ, उसको ये बताओ कि मैं ओपन माइंडेड हूँ, एकदम दिल का खुला बंदा हूँ, वगैरह वगैरह। जब आप ऐसा करते हो तो जिंदगी में कभी भी आप रिजेक्ट नहीं होगे। एंड आई होप आपको मेरी बात अच्छी लगी, अगर हाँ तो वीडियो पे एक कर देना लाइक, अपनी तरफ से बिना लाइक किए जाना मत यार, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल कॉल पर प्रेस करना, और भाइयों रिक्वेस्ट है वीडियो को शेयर किया करो यार, समझ रहे हो ना मैं क्यों बोल रहा हूँ शेयर करने को, भाई आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो कौन करेगा, शेयर कर देना भाई, रिक्वेस्ट।